हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज हम फिर से खेलने वाले हैं इंटरनेट कैफे सिम्युलेटर 2 का एक और मजेदार वाला एपिसोड। और भाई ये पता नहीं जो ये नया करेक्टर आया ना इस गेम में, ये होबो भाई, ये हमको टास्क वगैरह पता नहीं क्यों नहीं दे रहा। इससे हम कुछ टास्क वगैरह भी नहीं ले सकते हैं। और अपना जो बैगर है भाई, ये पता नहीं कौन से नशे करता है, देखो कैसे हिल डुल रहा है भाई। और इसको चाहिए भाई 3 बेसबॉल बैट चाहिए। कोई नहीं, हम तुझको थोड़ी देर में ला के दे देंगे। वैसे अपने पास अब थोड़े बहुत पैसे आ चुके हैं, हमने मेहनत करके थोड़े बहुत पैसे कमा लिए, तो अपने पास हो चुके हैं भाई $4,000। और कुछ हमने अपने कैफे को भी अपग्रेड में करने में लगा दिया है, तो फटाफट से चलते हैं अपने कैफे। लेकिन उससे पहले भाई यहाँ से कुछ खाना पानी खा लिया जाए। वैसे हमारी हेल्थ भी थोड़ी घट चुकी थी। ओके, तो हमने यहाँ से 2-3 पिज्जे वगैरह खा लिए। वैसे पिज्जे की दुकान तो है नहीं, पर इसमें क्या क्या मिलता है भाई, एक बार देखता हूँ मैं इसमें क्या क्या मिलता है। इसमें मिलता है भाई हॉट डॉग एंड चिकन हॉट डॉग एंड वेज हॉट डॉग, और यहाँ पे ऑरेंज सोडा मिलता है और कोला मिलता है और मिल्क ड्रिंक और वाटर। वाटर सिर्फ यहाँ पे 1 रुपए का मिलता है। खैर छोड़ो, अभी फटाफट से चलते हैं भाई अपने कैफे। लेकिन भाई जो यहाँ पे हम बैट लगा सकते हैं, अपने जो हॉर्स है उन पे बैट लगा सकते हैं। ये यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 कौन से पे लगाऊं मैं, लेकिन भाई अभी नहीं लगा रहे। अभी अपने पास थोड़े पैसों की दिक्कत सी है, तो अभी नहीं लगा सकते हम। तो फटाफट से आ गए है हम अपने कैफे, और यहाँ से अपना कैफे ओपन कर दिया है। और लास्ट टाइम मैंने ऑफलाइन गेम खेल के भाई अपने जितने भी एम्प्लॉयज थे उनको हायर कर लिया, लेकिन अभी भी 2 एम्प्लॉयज मैंने हायर नहीं किया, एक तो अपनी मेड और एक अपना कुक। और फटाफट से मैं करता हूँ शटर ओपन और आपको दिखाता हूँ अपना कैफे मैंने काफी अपग्रेड कर दिया है। ओके गाइस, तो यहाँ से करते हैं लाइटें चालू। तो मैंने अपने कैफे को काफी अपग्रेड कर दिया है। वैसे फर्स्ट फ्लोर तो मैंने जितना भी हमें यहाँ पे स्पेस मिल सकता था वो सारा परचेस कर लिया है। और इधर की साइड में मैंने अपना पहले की तरह यार किचन वगैरह जितना भी होता था उसको परचेस कर लिया है। लेकिन किचन का जितना भी आइटम है उसको भी परचेस करना बाकी है, जैसे फ्रिज वगैरह और अपना कॉफी मशीन वगैरह जितना भी आइटम है उसको परचेस करना बाकी है। और मैंने ऊपर की साइड में भाई ये स्टेयर्स भी, इनको भी परचेस कर लिया है। और ऊपर का जो फ्लोर है वो मैंने भाई अभी परचेस नहीं किया है, क्योंकि भाई अभी थोड़ी पैसों की तंगी है और ये खाली यहीं तक है, तो अभी थोड़ी पैसों की तंगी है। जैसे ही पैसे आते चले जाएंगे हम सारा का सारा अपना जैसा पहले कैफे था ऐसा ही बनाने वाले हैं। तो फटाफट से मैं एक बारी अपने कैफे को ओपन कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले भाई अपना जितना भी अपने 2 सेटअप लगा रखे हैं मैंने, उनकी प्राइस जो है उनको फुल कर देते हैं। ओके चलते हैं फटाफट से कंप्यूटर में, और यहाँ से अपने कंप्यूटर की जितनी 2 कंप्यूटर हमारे पास दोनों की प्राइस मैंने फुल कर दिया है। ओके, तो फटाफट से अपने कैफे को ओपन कर देते हैं और एक बार ही देख लेते हैं भाई अपनी क्रिप्टो का क्या हाल चल रहा है। ओके, तो भाई अपना जो बिटकॉइन है वो अभी 23,000 पे अटका पड़ा है। भाई ये नहीं बढ़ेगा भाई, ये इतने पे अटका पड़ा रहेगा। हमारे पास कुछ बिटकॉइन बन चुके हैं, खैर इनको सेल कर दो जितना भी हो चुका है। वैसे अपने पास भाई $9,000 हो चुके हैं, इससे अपना कैफे भाई अच्छा खासा अपग्रेड हो जाएगा। और मैंने भाई 2 ये जो 2 माइनिंग रिग है ना, एक तो यार इसमें तो एक ही ग्राफिक कार्ड लगा है, लेकिन अपनी एक माइनिंग रिग जो है ना भाई ये पूरी की पूरी फुल है। और अपने पास भाई 3 है ये माइनर, जिससे हमें मदद मिली है अपने कैफे को यहाँ तक लाने के लिए। इन्हीं से ही हमें इतना पैसा मिल चुका है अभी तक। और भाई अपनी बाकी की है ये आर्केड मशीन, जिससे हमें एक कस्टमर से $120 आराम से मिल जाते हैं, तो इन्हीं से ही हमें थोड़ी हेल्प मिली है अपना कैफे अपग्रेड करने के लिए। वैसे अपने कस्टमर भी आ चुके हैं, तो खैर भाई अपना तुम गेमिंग वगैरह करो, एक बार भाई अपने घर भी चल के आते हैं। लेकिन भाई अपने जो 2 सेटअप लगे ना, और इनके ऊपर लगाए भाई अपने जो सांड का हेड है भाई, क्या ही मस्त लग रहा है भाई। और भाई उसकी साइड में लगा दिया मैंने ये 2 आर्केड मशीन, जो अपने कैफे को एक अलग ही लुक दे रही है। वैसे अब हम इनको हटाएंगे नहीं भाई, तो यहाँ पर बताना तुम अगर यहाँ पे हमें आर्केड मशीन लगानी चाहिए इस लाइन में, या फिर अपने कंप्यूटर वगैरह लगाने चाहिए, या फिर लगाने चाहिए वीआर गेमिंग सेटअप, तो कमेंट करके बताना। जो भी लगाएंगे, जो भी आप बताओगे हम वही लगा देंगे। तो फटाफट से एक बारी अपने घर पे भी चल देते हैं भाई, क्योंकि अपनी जो हेल्थ है, अपनी जो एनर्जी है वो काफी खर्च हो चुकी है, तो हम सो के आ जाते हैं। और अपनी जो वाइफ है उसका भी यार एक बार पता लेके आ जाते हैं, क्योंकि यार उसका भाई मूड ही खराब रहता है 24 घंटे। अगर उससे बात करे भाई उसका मूड खराब है भाई, एक ऐसी बीवी मिली है ना हमको, इसका 24 घंटे भाई दिमाग खराब रहता है। पता नहीं भाई आखिर कौन सा सदमा है जो इसको परेशान करता रहता है, पता नहीं भाई हमें तो मालूम नहीं है। खैर छोड़ो, फटाफट से ये वाले गेट ओपन करते हैं और एक बार ही देखते हैं यहीं पे ही है कि वो चली गई, नहीं यहीं पे खड़ी है भाई, देखो यहीं पे खड़ी रहेगी या फिर बैठ जाएगी, पता नहीं भाई इसके नखरे ही अलग है।
खैर इससे मैं एक बारी बात कर लेता हूँ। ओके, वैसे जो इसका मूड है वो अभी 40% थोड़ा प्लस में चल रहा है, हमारी ये बात मान सकती है, तो एक काम करता हूँ इसको काम पे भेज देता हूँ। खैर छोड़ो यार, वैसे भाई इसने $398 भी कमा लिया है, मैं इससे पैसे वगैरह नहीं ले रहा भाई, क्योंकि इससे हम इकट्ठा पैसा लेंगे कम से कम यार तुम बताओ इससे हम कितना पैसा इकट्ठा करें, $1,00,000 $2,00,000 कितना पैसा इकट्ठा करें, जितना पैसा तुम कहोगे उतना पैसा हम इसके पास से इकट्ठा करेंगे और सारा का सारा फिर अपने पास रख लेंगे। तो आप यार कमेंट करके बताना इसके पास। ब्लैकआउट हो गया भाई, यार मैं सोने आया था भाई मैं, लेकिन भाई अपनी बीवी से बतलाने लगा थोड़ा। खैर छोड़ो, वैसे यार अबे कहाँ गायब होगी भाई सब कहाँ गायब होगी, शायद क्या पता वो काम वगैरह पे चली गई हो। खैर छोड़ो, और मैं देख लेता हूँ भाई फ्रिज में खाना वगैरह तो है नहीं भाई, खाना वगैरह तो यार ये बनाती नहीं भाई, यार खाना क्यों नहीं बनाती भाई, ये बीवी है या फिर भाई क्या है, हमें तो समझ नहीं आ रहा भाई, खाना वगैरह तो बनाती नहीं भाई, जितना भी खाना वाना इसके लिए हमें लाना होता है हम खुद लेकर आते हैं भाई। खैर छोड़ो, इसके लिए मैं थोड़ा बहुत खाना रख देता हूँ, अगर ये खा वा लेगी हाँ वैसे मरमुर जाएगी, तो एक काम करते हैं भाई पूरा फ्रिज फुल कर देते हैं भाई इसके लिए, वैसे इतना काफ़ी है, 1-2 महीने का राशन रख दिया मैंने इसके लिए, और हम तो भाई बाहर खा लेते हैं तो हमें तो इतनी दिक्कत नहीं आती, और उसके लिए भाई हमने 1-2 महीने का राशन तो आराम से चले जाएगा। वैसे भाई इतनी भुक्कड़ है ना वो, इतनी भुक्कड़ है क्या बताऊँ भाई, मेरा जीना हराम कर दिया उसने। खैर तो फटाफट से चलते हैं भाई अपने कैफे की ओर, और हमारा जो भाई बैगर है उसको हमें 3 बेसबॉल बैट देने हैं। तो किधर है भाई अपना सेल्समैन की दुकान, तो ठीक है ये रही हमारी सेल्समैन की दुकान, और भाई 1 डंडा तो शायद से हमारे पास पड़ा है, हाँ 1 तो पड़ा है, और 2 डंडे मैं यहाँ से खरीद लेता हूँ। 1-2 चलो एक अपने बैग में रख लेते हैं और एक को ले लेते हैं हाथ में। चलो वैसे भाई अपने पास अभी पैसों की कमी थी, इसलिए मैंने भाई थोड़ा हल्के वाला बैग परचेस किया था, थोड़ा सस्ते वाला जिसमें हम 2 सामान ही रख सकते हैं। वैसे भाई अपना बैगर किधर है भाई, हेलो बैगर, ओ बैगर किधर है भाई तू, अबे अपने 3 डंडे ले जा मैंने खरीद लिए भाई। वैसे भाई हमारा कैफे चल रहा है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कस्टमर आराम से आते रहेंगे। तो भाई हमारा बैगर किधर गया भाई, एक बारी मैं इधर चल के देखता हूँ, कभी इधर वो यहाँ पे झूम रहा हो दारू पी के, वैसे भाई नशा करता है, पता नहीं कौन सा नशा करता है ऐसे चलता है। हाँ भाई यहाँ पे भी नहीं है भाई, और भाई यहाँ पे लाइव स्ट्रीम चल रही है, खैर छोड़ो इनकी तो लाइव स्ट्रीम ही चलती रहेगी, ये यहाँ पे अपनी लाइव स्ट्रीम करती है और वहाँ पे ये इसको देखता है भाई, इन दोनों की सेटिंग हुई पड़ी है। खैर हमें क्या भाई, अपना बैगर नहीं दिख रहा भाई, अबे हो भाई यार कुछ हमें टास्क वगैरह दे दे भाई, यार तू ऐसा कैरेक्टर आया है हमें टास्क ही नहीं दे रहा, एक अपना बैगर है भाई कभी कुछ मांगता रहता है कभी कुछ मांगता रहता है, अब पता नहीं कहाँ भग गया, हम उसके लिए डंडे लाए हैं, पता नहीं हम ये डंडे किसको मारे, मैं इनको ही मार देता हूँ ये डंडे, पता नहीं कहाँ भग गया, अबे अपने 3 डंडे ले ले वरना मैं इनको सेल कर दूंगा भाई साहब, मिल ओरो भाई वोरा भाई, ले भाई अपने 3 डंडे ले और हमारी जान छोड़, अब क्या कह रहा है भाई, मैन आई एम सॉरी बट डोंट हैव मनी, अबे मैं पैसे कद मांग रहा हूँ तुझसे, पैसे कद मांग रहा हूँ भाई, डंडे ले ले तू जिसको पीटना है पीट। हाँ ये कह रहा है भाई, ड्यूड देयर इज एन इंटरनेट कैफे ओनर इन द सिटी हु डज नॉट लिस्टन टू माय वर्ल्ड, ओके एवरीवन इन दिस सिटी लिस्टन टू माय वर्ल्ड, अच्छा तो ये इस सिटी का बाप, ओके भाई साहब, अपना जो सेकंड फ्लोर वाला जो बंदा है ना पहले की तरह ही है यार, मैं इतना भाव क्यों खा रहा हूँ, जो अपना सेकंड फ्लोर वाला बंदा है उसके घर में भाई बॉम्ब रख के आना उसके कैफे में, मैं इसको भाई बोल दे हूँ ठीक है रखिया तू बॉम्ब रखा उसके घर में, और मैं जाता हूँ फटाफट से उसको एक्टिवेट करने, भाई उसका कैफे यार उड़ाना है आज हमें, तो भाई फटाफट से चलते हैं सेकंड फ्लोर पे और उसका आज कैफे का सत्यानाश कर देते हैं। कहाँ गया हमारा, ओके आ चुके हम उसके कैफे में, और भाई क्या हाल चाल है, आज तो तेरी खैर नहीं बैठे, आज मौज कर देंगे हम यहाँ पे, और वैसे यहाँ पे काफी सारे कस्टमर बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहाँ तो ये रखा भाई वो बोम, इसमें ही है वो बोम जो ये बगिंग डिवाइस है, इसको हमें बस एक्टिवेट करना है ई प्रेस करके, खैर मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, हमने किया ई प्रेस, ओके तो भाई हमने इसको एक्टिवेट कर दिया है, और भाई क्या हाल है, ठीक है यार हम तो तेरा पता वगैरह लेने आए थे, आखिर तू ये सुट्टे वगैरह कब छोड़ रहा है, खैर कोई नहीं आज तू छोड़ ही देगा ये सुट्टे बीड़ी वगैरह, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी थोड़ी देर में देखने आएंगे तुझे। वैसे मैंने भाई बम तो एक्टिवेट कर दिया है, लेकिन पता नहीं भाई वो टूटेगा या नहीं, अबे नीचे चलना है भाई हमें,
ओके तो फटाफट से चलते हैं भाई नीचे और अपना कैफे भी देख लेते हैं भाई, आखिर हमारे कैफे में कोई बम ना फोड़ दे आके। फटाफट से चलते हैं एक बार ही अपने कैफे, लेकिन भाई अपने बैगर से बात कर लेते हैं किधर गया। वैसे यार मैं कुछ खाना वगैरह खा लेता हूँ। भाई किधर है हमारा बैगर? पता नहीं भाई किधर झूम रहा होगा वो दारू पी के। किधर गया? किधर? इधर तो नहीं है। इधर देखता हूँ, हमारे क्या पता हमारे कैफे के बाहर ही खड़ा हो। ओके तो भाई ये रहा वो बैगर, और इससे मैं एक बारी बात कर लेता हूँ। हियर्स ए लिटिल गिफ्ट फॉर यू। ओके भाई तो ये इसने हमको एक छोटा गिफ्ट दिया है $400 का, जो कि हमने इसको एक बैट, वो 3 बेसबॉल बैट दिए थे उसका गिफ्ट दिया है इसने हमें $400 का। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर तू ना भी देता तो हम तुझको सामान वगैरह देते रहते। लेकिन भाई अपने कैफे में काफ़ी सारे बंदे बैठे हुए, फटाफट से इनको भाई एक्टिवेट बोल रहा हूँ, इनको भाई अप्रूव कर देता हूँ मैं। फटाफट से चलते हैं। ओके इसको अप्रूव कर दिया, लेकिन भाई अपने पास अब ऑटोमेटिक अप्रूव करने का सिस्टम आ चुका है, तो भाई मैं क्यों इतना दिमाग खर्च कर रहा हूँ। फटाफट से चलते हैं अपने, कौन सा वो एप्लीकेशन थी एक बारी देखता हूँ मैं। हाँ ब्राउजर में ही थी और यहाँ पे, हाँ ये घोस्ट वाली थी, और यहाँ से मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ अपना ये वाला ऑटो अप्रूव। हमारे जितने भी सिस्टम होंगे उसको ये ऑटो अप्रूव कर देगा। हाँ ये तो यार हमें चाहिए ही, इसको फटाफट से परचेस कर लेते हैं। ओके तो मैंने भाई इसको परचेस कर लिया है, और अब जितने भी यार कस्टमर हमारे कैफे में आएंगे उनको ये ऑटो अप्रूव कर देगा। और अपना बिल वगैरह भी देख लेते हैं भाई, काफी बिल आया हुआ है हमारा, $280 का है, इसको फटाफट से पे कर देते हैं। वैसे हमारे पास भाई अभी हो चुके हैं $14,000, जो कि यार काफी अच्छा है, तो क्यों ना भाई हम अपना फर्स्ट फ्लोर भी परचेस कर ले। लेकिन उससे पहले भाई अपना घर भी परचेस करना है आज हमें, तो एक काम करता हूँ मैं पहले मेल देख लेता हूँ किस चीज़ की है। मेल पता नहीं भाई किस चीज़ की है, खैर छोड़ो। तो मैं फटाफट से भाई अपना एक जो कुक है और अपनी जो मेड है उनको भी यार अपने काम धंधे पे रख लेते हैं। तो फटाफट से चलते हैं एम्प्लॉयज में, और यहाँ से ये रही अपनी मेड, इसको हायर करते हैं। ओके और अपना भाई कुक किधर गया? ये रहा अपना सैफ अली खान कुक। और अपना भाई मैस्कोट भी रख ले क्या? ओके रख लेते हैं यार, अपना नाश्ता वगैरह रहेगा जिससे अपने कस्टमरों का मनोरंजन होता रहेगा। ओके तो भाई हमने अपने सारे एम्प्लॉयज बुला लिए वापस से, और अपना मैस्कोट नहीं आया भाई। पैसे ले इससे, पैसे ले साले की टांग तोड़ दे, पैसे ले इससे, पैसे बिना पैसे दिए जाएगा भी सही है। और अपना भाई सारे बंदे तो आ चुके हैं, लेकिन भाई अपना मैस्कोट नहीं आया। अच्छा वो थोड़ी देर बाद में आता है ना, देखो सामने की तरफ चल के आ रहा है। ओके तो भाई अपना मैस्कोट भी आ चुका है, और भाई ये आराम से यहाँ पे नाचेगा। खैर इसको नाचने देते हैं, और भाई फटाफट से ये क्या कह रहा है? खैर ये अभी कुछ नहीं कह रहा, और मैं इससे पैसे ले लेता हूँ भी दे दे। देखो मैं कह ही रहा था ना कि फटाफट से चलते हैं सोने, खैर छोड़ो। ओके तो अपनी बीवी तो भाई गई हुई है काम पे, और घर में कोई नहीं है, तो एक काम करते हैं थोड़ा हुक्का पी लेते हैं। ओके तो हमने भाई थोड़ा हुक्का पी लिया है, और फ्रिज में देखते हैं कुछ रखा है क्या। हाँ ये तो हमने ही रखा था यार खाने पीने का सामान। वैसे भाई हम अपने फ्रिज से कुछ खा नहीं सकते, और यार आज मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ये वाली जुत्ती पहन के जाए जाए अपने कैफे, लेकिन भाई इनको रखी क्यों है जब पहन नहीं सकते हम। खैर छोड़ो यार, क्यों हमारी हेल्थ कम हो जाती है भाई, हमें देखना पड़ेगा। वैसे अपनी जो स्किल्स है ना भाई, उसमें जो अपना एबिलिटीज़ है, इसमें भाई हम अपनी एनर्जी और अपने जो स्ट्रेंथ है और अपना जो हंगर है भाई, उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। एक काम करता हूँ, एक एक भाई सबकी बढ़ा लेता हूँ, इसके भी। ओके वैसे हम इसमें कोई कॉइन लग रहा है क्या? हाँ तो भाई हमारे पास टोटल अनयूज्ड स्किल्स पॉइंट है, तो ये भाई ये लग रहा है इसमें। हाँ तो अपनी एनर्जी बढ़ा लेता हूँ मैं, फुल कर लेता हूँ भाई अपनी एनर्जी। फटाफट से चलते हैं भाई, जल्दी से चलते हैं, क्योंकि आज हमें बहुत काम करना है, और जब हमारी बीबी आ जाएगी तो हमें उसको भाई घर भी गिफ्ट करना है। तो फटाफट से चलते हैं, लेकिन भाई एक बार ही देखते हैं अपना जो सेकेंड फ्लोर वाला जो बनता है उसका कैफे उड़ा क्या। वैसे हमने भाई बॉम अच्छी तरीके से लगाया था भाई, एक्टिवेट करके हम अच्छी तरीके से गए थे। देखते हैं क्या हाल हो चुका है यहाँ का भाई साहब। यहाँ पे तो भाई कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं भाई अपने जो बैगर है उसने वो बॉम एक्टिवेट किया है या फिर नहीं। यहाँ पे तो भाई मस्त आराम से बंदे गेमिंग कर रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ भाई। मैं एक काम करता हूँ, मैं निकलता हूँ भाई, क्या पता अभी फूट जाए यहाँ पे बम और हमारा भी यहाँ पे हो जाए कल्याण। फटाफट से चलते एक बारी अपने कैफे की ओर। ओए मैं सोच रहा हूँ यार क्यों ना आज थोड़े अपने जो
फोर्स है उन पे भी यार बैट वगैरह नहीं लगाई जाए, क्योंकि भाई अपने पास अभी हो चुके हैं आज $16,000। वैसे भाई काफ़ी जल्दी तरक्की कर रहे हैं हम, थोड़ा खाना पीना भी खा लेते हैं, पता चला हम दौड़ के कहीं पे ही। और ये रहा अपना जो हॉर्स का अड्डा है, और यहाँ पे भाई अपनी जो सेकंड रेस स्टार्ट होने वाली है वो 5 मिनट में स्टार्ट होने वाली है, तो अभी तो अपने पास काफ़ी टाइम है, तो फटाफट से एक बार चल लेते हैं अपने कैफे की। और इसकी सेटिंग है क्या? नहीं नहीं भाई इसकी सेटिंग है, लेकिन भाई ये पहले यहाँ पे नाच था, अब यहाँ पे नाचने लगा है। वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, नाच तो ये रहा है, हम थोड़ा ही नाच रहे हैं, हमें क्या कौन सी दिक्कत। पैसे भाई अपने बंदों से भाई पैसे ले लो, वरना अपना बाउंसर इनकी कुटाई कर देगा, फिर ये रेटिंग भाई खराब दे देते हैं हमको। ओके मैं कह रहा था ना अपना बाउंसर कुटाई कर देगा। वैसे भाई हमारे पास भाई अप्रूव का ऑटोमेटिक आ चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। तो एक काम करते हैं भाई, अपना जितना भी अपग्रेड का सिस्टम है उसको परचेस कर लेते हैं, फटाफट से चलते हैं माई कैफे में। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ओके तो अपना ये फर्स्ट फ्लोर है भाई, इसको भी परचेस कर लेते हैं। ओके चलो, और ये जो फर्स्ट फ्लोर का जो रूम है उसको भी बाय कर लेते हैं। ओके और चलते हैं भाई अपने आइटम वगैरह में। यहाँ पे अपने आइटम कौन कौन से, अपना भाई टिप बॉक्स, और अपने भाई ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर, और ये क्या है अपना भाई हॉट डॉग कार्ट। ओके इसको भी परचेस करें या फिर ना करें, वैसे कंपटीशन हो जाएगा भाई, वहाँ पे भी एक हॉट डॉग कार्ट है और अपना भी एक हॉट डॉग कार्ट हो जाएगा, तो फटाफट से इसको भी परचेस कर लेते हैं। ओके ओल्ड स्पीकर भाई, पुराने स्पीकर क्यों रखे भाई, नए रखेंगे। ये क्या है कॉफी मशीन, वैसे कोई बंदा कॉफी मांगने लग जाता है, इसको भी करो इसको भी करो। एक काम करता हूँ भाई सारे ही कर लेता हूँ, वैसे भाई पैसों की किल्लत हो जाएगी फिर, और हमको भाई सामान भी परचेस करना है, और यहाँ से भाई अपने पीसी वगैरह को भी हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये कितने, ये $250, ये 400, और ये भाई कंप्यूटर केस है वैसे तो सारे। तो हाँ मैं एक काम करता हूँ ये वाला अपग्रेड कर लेता हूँ। ओके तो अपना भाई कीबोर्ड भी अपग्रेड करें क्या, और अपना माउस भी है, चेयर भी है, लेकिन पहले भाई अपनी चेयर और अपनी जो टेबल है उसको अपग्रेड कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ ये वाली लूँ या फिर ये वाली लूँ। तो भाई हमने अब ये क्या है भाई, ओपन क्लोज LED सिस्टम, ये क्या सिस्टम है भाई। अबे कभी हमारे कैफे में भाई RGB वाली LED तो नहीं लग जाएगी भाई, एक बारी भाई लगा के देखते हैं कौन सी लगाई जाए। तो एक काम करता हूँ ये लाल वाली लगा देता हूँ। ओके अबे भाई क्यों नहीं हो रही, अच्छा तो हम इसको ही परचेस कर सकते हैं भाई खाली, तो ठीक है हम इसको परचेस कर लेते हैं। ओके अब देखते हैं भाई कैसा कहाँ पे लगी है ये। ओके भाई साहब यहाँ पे ये अपनी जो LED अपनी RGB लाइट है ये यहाँ पे लग चुकी है, और बाथरूम में भी लग गई होगी। हाँ तो यहाँ अबे टट्टी किसी ने कर रखी है भाई साहब, अबे अंदर कर लिया करो ना यार, गंदगी मचा के रखी है भाई हमारे कैफे में। भाई अजीब बंदे हैं भाई, इतने बुरे कस्टमर है ना। और मैं देखता हूँ भाई बाहर की साइड में भी लगी है क्या, नहीं भाई अंदर अंदर लगी है। तो यार बाहर की साइड में भी कोई अपडेट आना चाहिए, यहाँ पे भी हम अपना पेंट वगैरह कर सके भाई, बाहर से कितना गंदा लगता है ये। और भाई ये क्या कह रहा है हमको, अच्छा भाई जो हमने बॉम वहाँ पे एक्टिवेट किया था तो उसको भाई अब टाइम आ चुका है उसको अप्रूव करने का, और उसके भाई ये 1500 रुपये मांग रहा है। खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ले ले भाई तू 1500 रुपये। भाई साहब भाई ये तो यार पटक गया भाई, देखो क्या हालत हो चुकी है भाई, इसने तो हमको लाइव डेमो दिखा दिया भाई, भाई साहब इसने तो लाइव डेमो दिखा दिया हमको, क्या ही बात है भाई बैगर, क्या ही बात है। वैसे अपने बंदों से भाई चल के देखते हैं भाई उसका कैफे क्या ही सत्यानाश। अबे तुम तीनों नाचोगे क्या भाई, एक ये होबो है हमको टास्क ही नहीं दे रहा भाई। और एक बार चल के देखता हूँ भाई वो जो बंदा है अपना सेकंड फ्लोर पे उसका क्या ही हाल हो चुका होगा भाई, चल के देखते हैं भाई फटाफट से चल के देखते हैं। चलो भाई लिफ्ट पे बैठो जल्दी से, अबे तीसरे फ्लोर पे क्यों जा रहा हूँ मैं, सेकंड पे चलना है भाई सेकंड पे। ओके ऐसे गेट ओपन करो। ओके ओके भाई साहब अब इसकी हालत देखो क्या, ये कौन सा प्राणी है भाई, अब इसके पैर कहाँ पे है भाई, इसका मुंह कहाँ पे है भाई साहब, क्या ही हालत कर दिया भाई हमने इसकी, भाई साहब भाई ये हमने क्या हालत बना दी इसकी कैफे की भाई, कोई आर्केड मशीन के, अबे ये तो आधा कट गया भाई भाई यार क्या ही हालत बना दी भाई, मैं तो निकल जाऊं भाई, कभी हमारे नाम लग जाए भाई, कभी यहाँ पे पुलिस वगैरह आ जाए फटाफट से। चलो भाई अबे मैं फंस गया यार यहाँ पे,
भाई फटाफट से निकलो यहाँ से, कभी यहाँ पे पता लगे कोई पुलिस वगैरह आ गई और हमको यहाँ पे ढाल ले भाई, अबे जल्दी से निकलो भाई जल्दी से फटाफट से। ओके अब दे ले भाई तू एक और फ्री, बड़ा फ्री बांट रहा था यहाँ पे। कह छोड़ो भाई फटाफट से चलते हैं अपने अपने कैफे में चलते हैं, कभी यार हमारे नाम लग जाए कि यार हमने उड़ा दिया है भाई, पुलिस वगैरह भी आजकल तो चेकिंग कर रही है यहाँ पे। खैर छोड़ो तू कैसे खड़ा है बे, फटाफट से चलते हैं भाई अपने कैफे, लेकिन उससे पहले एक अपना बर्गर वगैरह खा लिया जाए। ओके तो भाई फटाफट से चलो, कभी यार हमारा नाम लग जाए कि यार तुमने उड़ाया है। और भाई अपना जो ये हॉट डॉग कार्ट है ये भी आ चुका है यार, इसके लिए भी एक बेड वगैरह लगा देते भाई इस अपडेट में। ओके तो यहाँ पे हमारे $14 हो चुके हैं, इसको कलेक्ट कर लेते हैं हम फटाफट से। ओके तो चलो भाई अपने बंदों से पेमेंट वगैरह ले लेते हैं। और भाई देखो यार अपना जो सिस्टम है वो भी अपग्रेड हो चुका है, और यार काफी अच्छा लग रहा है। तो हम ना एक काम करते हैं, अपना मॉनिटर और अपना कीबोर्ड भी परचेस कर लेते हैं, वैसे तो हमारे पास अभी काफी पैसे हैं। तो फटाफट से चलते हैं माइक कैफे में और यहाँ से मैन पीसी। ओके तो ये अपना माउस है, और ये वाला लेंगे ना RGB वाला, और अपना जो चेयर तो हाँ माउस हो गया, कीबोर्ड कीबोर्ड ये वाला RGB वाला, और अपना भाई कंप्यूटर केस, अबे मॉनिटर के हाँ तो मॉनिटर ये नहीं यार, मॉनिटर नहीं है भाई यहाँ पे यार, मॉनिटर भी अपग्रेड कर देते भाई जब सारा आइटम कर ही रहे थे तुम। खैर छोड़ो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं एक बार ही अपने कस्टमर से ले लेता हूँ भाई। देखो अब इसकी कुटाई होगी इसको लाद यार, मैं भूल जाता हूँ यार इनको पेमेंट देना। देखो अभी इनकी मैं रेटिंग दिखाऊंगा, कितनी गंदी रेटिंग देंगे, देखो यार कितनी गंदी रेटिंग दे रहे हैं। वैसे भाई हमारे पास AC वगैरह भी नहीं है, तो मैं कुछ AC भी परचेस करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले भाई फटाफट से चलते हैं अपने जामा जोर पे, और यहाँ से मैं अपने कुछ कंप्यूटर वगैरह परचेस कर लेता हूँ, अपने PC वगैरह। ओके तो ये 1700 का है, एक काम करते हैं दो आइटम परचेस कर लेते हैं। हाँ तो हम यहाँ से ले लेते हैं अब अपनी दो चेयर, चेयर लेने वाले हैं हम ये रेड वाली। ओके और अपने दो कीबोर्ड, कीबोर्ड लेंगे भाई हम ये वाले RGB वाले। ओके और अपने मॉनिटर वगैरह, मॉनिटर 1-2। ओके और अपना माउस, माउस पेमेंट ले लूँ भाई इससे, पेमेंट ले लेते हैं पहले वरना इसकी कुटाई कर देगा हमारा बाउंसर। माउस ये वाला ले लेते हैं। ओके और हमें लेनी है भाई अपनी जो टेबल है, अपनी जो डेस्क है ये ले लेते हैं। मैंने दो परचेस कर रखी है भाई, ये ब्लैक वाली किधर गई, वो ब्लैक वाली हाँ ये रही वो ब्लैक वाली, ये ले लेते हैं अपनी दो टेबल। और अब देखते हैं भाई अपना जो आइटम है वो आखिर इतने पैसों का हो चुका है। तो भाई ये हो चुका है पूरे 15,000 का। तो एक काम करते हैं अपने जितने भी भाई बिटकॉइन है उसको सेल कर देते हैं, जब भी हमारे पास $15,000 हो सकते हैं। तो चलो यार मैंने अपने जितना भी आइटम था सबकी पेमेंट कर दी है, और अभी कुछ टाइम में वो अपना जो सामान है वो आता ही होगा, लेकिन उससे पहले अपने बंदों से भाई पैसे वगैरह ले लेते हैं। ओके और अपने भाई टिप बॉक्स में भाई $34-31 हो चुके हैं, तो फटाफट से इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। और भाई अपने कैफे में थोड़ा भाई स्प्रे वगैरह लगा, तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा, मैंने यहाँ पे कुछ लगा रखा है क्या यार, पता नहीं भाई हमारे कैफे में आजकल जादू होने लगा है भाई साहब, कैसे बंदे चल चल के आ रहे हैं यार। मैं अपने कैफे में भाई यहाँ पे स्प्रे वगैरह लगा देता हूँ, जिससे यार बंदों को थोड़ी खुशबू वगैरह आए, और इसको यहाँ पे डाल देते हैं। और एक काम करते हो भाई, स्मोक को उठाते हैं और इसको भाई यहाँ पे रख देते हैं अपने बाथरूम में। हाँ यहाँ भाई साहब यार क्या ही गंद मचा के रखी है भाई, अब यहाँ पे डालो इसको यार, क्या ही गंद मचा के रखते हैं अपने कस्टमर भाई। एक अपने भाई क्लीनर है भाई, साफ ही नहीं कर रहा यहाँ पे भाई, बाथरूम में गंद मचा के रखी है भाई लोगों ने। खैर एक काम करते हैं भाई अपना, जब तक सामान वैसे आ चुका है अपना सामान, हाँ देखते हैं भाई, हाँ ये रहा हमारा सारा सामान, हाँ फटाफट से। वैसे भाई एक काम करते हैं भाई, अपने पास कितने पैसे हैं, अपने पास $1400 है, ऐसे काफ़ी कम है, क्योंकि यार मैं सोच रहा था क्यों ना एक बैग लेकर आए, क्योंकि भाई हमारे पास ना ये दो का ही बैग है, इसमें हम दो ही सामान रख सकते हैं। खैर एक एक करके दो दो करके भाई अपना जितना भी सामान है इनको फटाफट से लगा देते हैं अपने कैफे में।
ओके गाइस, तो भाई मैंने अपने दो सिस्टम जो परचेस किए थे वो मैंने यहाँ पे लगा दिए है, और इधर की साइड में भाई तुम बताना मुझे क्या लगाना चाहिए, अपने गेमिंग सिस्टम लगाने चाहिए या फिर वीआर सेटअप लगाने चाहिए या फिर लगाने चाहिए अपनी आर्केड मशीन, तो वो तुम बता देना। तो अब फटाफट से चलते हैं भाई अपने घर की ओर, क्योंकि भाई टाइम बहुत हो चुका है। यहाँ से मैं कर देता हूँ अपनी लाइट वगैरह बंद, कैफे को ऑन ही रहने देते हैं, अगर कोई आर्केड मशीन हमारी चलाने आएगा तो वो चला लेगा। और वैसे भाई अब तो अपने कंप्यूटर भी चल जाएंगे, अपना जो ऑटोमेटिक अप्रूवल है वो देता रहेगा, उनको अप्रूव करता रहेगा। और ये भाई यार ये होबो भाई काहे का होबो है जब ये कुछ काम ही नहीं दे रहा हमें। तो खैर छोड़ो, फटाफट से भाई अपने चलते हैं घर। और मैं सोच रहा हूँ भाई क्यों ना आज अपनी जो वाइफ है उसको थोड़ा खुश कर दिया जाए, क्योंकि भाई आज मैं परचेस करने वाला हूँ अपना घर, जो कि देखते हैं भाई ऊपर चल के देखते हैं अपनी वाइफ है या फिर ड्यूटी पे गई हुई है, देखते हैं फटाफट से चल के देखते हैं। और भाई हमने अपने सेकंड फ्लोर वाले का तो भाई सत्यानाश करवा दिया है। खैर छोड़ो भाई, उसका जो भी हाल हुआ है भाई पूछो मत भाई, बंदे ने लाइव स्ट्रीम लाइव दिखाया कैसे उसका हमने घर उड़ाया भाई। खैर फटाफट से चलते हैं अपने घर में, और हमारी भाई वाइफ ये बैठी भाई, भाई अब भी इसका मूड ही ऑफ होगा भाई, भाई इसका तो मूड ही ऑफ है। खैर छोड़ो, एक बारी भाई अपना जो घर है उसको अपग्रेड कर लेते हैं। ओके तो भाई हमारा जो घर है वो है ये हमारा घर है, और जो हमें अपग्रेड करना है वो है ये। तो एक बारी देखते हैं भाई अपना ये वाला घर कैसा है, तो फटाफट से इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ओके तो चलो भाई हमने अपना घर एक्टिवेट कर दिया है, और भाई अपना ये वाला घर ओके। तो यार वैसे तो भाई इतना कुछ खास नहीं है ये वाला घर, लेकिन भाई ठीक ठाक सा है। पहले अपना जो घर था वो थोड़ा सफ़ेद सा लग रहा था, वाइट वाइट सा घर था, और अब यहाँ पे अपना जो सोफे वगैरह है वो भी पड़ चुके, और भाई अपना हुक्का भी अब ब्लैक कलर का हो चुका है। भाई क्या ही बात है, अपना हुक्का भी भाई रंग बदल चुका है। वैसे बढ़िया है भाई, ये वाला घर भी बढ़िया है। और भाई अगर हमारा मन हुआ दूसरे घर में जाने का तो हम दूसरे घर में चले जाएंगे, लेकिन भाई अब तो तेरा मूड सही होगा, हमने नया घर परचेस कर लिया है, हैं क्या कहती है हैं भाई। अच्छा तो ये मुंडी हिला रही है भाई, देखो ये मुंडी हिला रही है, कह रही है ठीक है तो मैं थोड़ा मान जाती हूँ। अबे तू मान या ना मान हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। खैर छोड़ो भाई, तू काम पे चली जा, सही रहेगा, तू काम पे ही चली जा। गई क्या? नहीं भाई जा नहीं रही, कह रही है मूड खराब है, देखो कह रही है भाई मूड खराब है, भाई इसका मूड ही खराब रहेगा। और यार तुम बताना मैं इससे कितने पैसे इकट्ठे करके लूं, क्योंकि अभी इसके पास $467 हो चुके हैं, तो तुम बता देना हम इसके पास से कितना पैसा इकट्ठा करें, या मैं सोच रहा हूँ जब तक हम गेम खेले भाई इससे पैसे ले ही मत, देखते हैं इसके पास कितना पैसा इकट्ठा हो सकता है। खैर छोड़ो भाई, तुम कमेंट करके जरूर बताना हम इसके पास से कितना पैसा ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार जल्दी से लाइक कर देना, क्योंकि भाई मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ भाई, डेली आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। वैसे इंटरनेट कैफे की अगर आपको डेली वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को भाई लाइक कर देना फटाफट से। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।